आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। इससे पीछे हमारी जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने जाना था एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, और एक्टिवेशन एनर्जी वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हम किसी रिएक्टेंट को सप्लाई करते हैं रिएक्टेंट से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो आज उसी के ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ प्रीवियस CBSE में आई हुई या फिर NCERT में जो गिवन है उनके बारे में। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम है आपके पास, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 times व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। क्या कह रहा है कि आपके पास जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं किसी रिएक्शन का फ्रॉम 293 293 केल्विन से 313 केल्विन तक, तो जो रेट है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है भाई आपका? 4 times। आपको क्या निकालना है? एक्टिवेशन एनर्जी है ना, और ये मान के चलना है कि ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। तो देखो, एक्टिवेशन एनर्जी आपको इस केस में निकालनी है, और एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कहीं पढ़ा हुआ है। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का, वो फॉर्मूला आपके पास ये था, लॉग K2 by K1 लॉग K2 by K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R। ओके, T2 minus T1 by T1 into T2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का। ओके, ये हम अरेनियस इक्वेशन से ये फॉर्मूला निकाल के लाए थे टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो देखो, इस केस में हम इसी फॉर्मूले को यूज करके इस प्रॉब्लम को खूब आराम से सॉल्व कर लेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, एक बार गिवन मेटेरियल को यूज करके हम ये निकालने की कोशिश करेंगे। तो गिवन क्या क्या है आपको? गिवन दैट गिवन क्या है आपको भाई? K2 दे रखी है स्टेटमेंट में, बोलना है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स कितना? 4 times। मतलब रेट कितनी है K2? 4K। K1 कितनी है आपके पास? K। T2 कितना है? 313 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर हमने कहाँ से कहाँ चेंज किया है? 293 केल्विन से 313 केल्विन, है ना, 293 से 313 केल्विन तक। तो T2 कितना आएगा? 313 केल्विन। और T1 कितना है भाई आपको? T1 दे रखा है 293 केल्विन, और R की वैल्यू आपको फिक्स है 8.314 JK inverse mole inverse। ये वैल्यूज आपको गिवन है इस न्यूमेरिकल में, और बहुत सिंपली आपको क्या निकालना है यहाँ से? एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो खूब आराम से यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। जो जो वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को पुट करो अगर हम फॉर्मूले में, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला वी गेट लॉग 4K/K इज इक्वल टू ये आपको निकालना है भाई 2.303 इंटू 8.314 जेके इनवर्स मॉल इनवर्स, ये हो गया। ठीक है, जेके यहाँ लिख लेते हैं, दो 4K/K इज इक्वल टू
ये ई ए आपको निकालना है और यहाँ क्या आ जाएगा 2.303 × 8.314 जेड के इनवर्स मोल इनवर्स टेम्परेचर T2 कितना है 313 T1 कितना है 293 बटे 293 × 313 जो वैल्यूज आपको गिवन थी वो हमने रख ली जो कट सकता है उसको काट दो जैसे कैसे के गया क्या बचेगा आपके पास log 4 = कि अब आप देखो ई ए यहाँ क्या हो जाएगा 2.303 एक बात यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो वैल्यू है किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी का जो भी आपके पास न्यूमेरिकल आए कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी का 2.303/R है फॉर्मूले के अंदर मतलब ये वैल्यू फिक्स है और R की वैल्यू भी क्या है भाई फिक्स है तो 2.303 को जब मैं 8.314 मतलब R से मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है तो इन दोनों का जो रिजल्ट मेरे पास आएगा गुणा का वो रिजल्ट कितना आता है मेरे पास 19.147 तो आगे से आप इसी फॉर्मूले में ध्यान से सुने है ना जब हम 2.303 को 8.314 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आती है 19.147 अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ तो भी आपके पास बात एक ही है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है आपका इस फॉर्मूले में मैं 2.303R की बजाय मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ 19.147 जेके इनवर्स मोल इनवर्स यूनिट वाई रहेगी ओके क्यों क्योंकि R की वैल्यू कांस्टेंट है ये वैल्यू कांस्टेंट है दोनों का जब मैं गुणा करूँगा तो गुणा करने पर मेरे पास क्या मिलेगा 19.147 तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ इनकी बजाय ये लिखने की बजाय कितना लेंथ थी सीधा मैं ये वैल्यू लिख लूँ यहाँ पर 19.147 ओके तो छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी अब अपने पास और यहाँ क्या आ जाएगा भाई 20 और यहाँ 293 को 313 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 293 को जब हम 313 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आपके पास आएगा 9179 इट्स ए बिग वैल्यू ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको मैंने तो मल्टीप्लाई करके देख रखा है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ आप इन दोनों को क्या आपको क्या करना पड़ेगा इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओके तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी मैं यहाँ पर एज इट इज लिख देता हूँ इसको 313 हो गया ये अब आपको निकालना क्या था एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी तो इस फॉर्मूले को रीअरेंज करो टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी रीअरेंज द इक्वेशन और जब हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई ई ए इज इक्वल टू ये निकाल लीजिए ठीक है log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6020 तो ये वैल्यू पुट कर लो भाई इसमें 0.6020 गुणा 19.147 गुणा 293 गुणा 313 बटे कितना आ जाएगा भाई आपका 12 ये निकालना था ये ठीक है तो ये तीन तो मल्टीप्लाई ये चार यूनिट तो मल्टीप्लाई होगी 20 से किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी इसको भी मैं सोल्व कर सकता हूँ खूब आराम से इजी है सोल्व करना देखो ये 20 है 20 को एचडी लिखो ये डेसिमल हटाओ यहाँ से ये जब ये डेसिमल हटाओगे तो कितने डेसिमल आ जाएंगे नीचे ये आ जाएगा यहाँ से डेसिमल हटाओगे जब आप ये वाला ये चार यूनिट है तो ये बन जाएगा अब मैं इसको काट सकता हूँ कितने पे कटेगा ये 301 पे कटेगा ठीक है 301 पे कट गया और ये जो 19.147 है इसको कितना मान लो तुम 20 मान लो
ठीक है, इसको अगर मैं 20 मान लूँ, 20 को 301 से गुणा करूंगा तो 60-20 आ जाएगा, 60-20 इंटू 293 इंटू 313, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो आंसर आएगा फाइनल, वो फाइनल आंसर आपके पास लमसम कितना आएगा, अप्रोक्स कितना आएगा, 53 किलो जूल पर मीटर। ये आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा 53 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम थी। सबसे पहले आपने क्या किया, जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को देखा, एक्टिवेशन एनर्जी निकाली थी, जो जो यूनिट्स आपको गिवन थी फॉर्मूले में प्लेस की और आराम से इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन के लिए डिटरमाइन कर ली, जिसमें टेम्परेचर हमने कहाँ से कहाँ तक चेंज किया था, 293 से 313 केल्विन तक, और एक क्वांटम कितना इंक्रीज हो गया था उसका, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं जिससे थोड़ी और क्लियरिटी। ये एक प्रॉब्लम और है, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये, एक बार इसको पॉज करके वीडियो को, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ओके। और मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, फिर आंसर को भी मैच करें, तो देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम थी। एट 380 डिग्री सेल्सियस, 380 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर दे रखा है आपको, द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज 360 मिनट। हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, डीकम्पोजिशन हो रहा है H2O2 का, और हाफ लाइफ कितना दे रखा है, 360 मिनट। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी भी दे रखी रिएक्शन की, इज 200 किलो जूल पर मोल, 200 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% डीकम्पोजिशन एट 450 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या बताना है कि कितना समय लगेगा रिएक्शन को 75% तक डीकम्पोज होने में 450 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपको बताना है। तो देखो, ये जो प्रॉब्लम है ये हम दो फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करेंगे। पहले तो हम एक्टिवेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा करके, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट के पता करेंगे, क्या रेट कांस्टेंट के एट 450 डिग्री सेल्सियस। एक बार रेट कांस्टेंट का पता लग जाएगा इस टेम्परेचर पे, उसके बाद हम ये बता पाएंगे कि कितना टाइम लगेगा 75% रिएक्शन को डिकम्पोज होने में एट द 450 डिग्री सेल्सियस। तो दो स्टेप में ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट, फर्स्ट स्टेप में तो क्या करेंगे, कैलकुलेट K2 एट 450 डिग्री सेल्सियस। और ये कैसे ही करेंगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, इसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला, लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय, यहाँ हम क्या लिखते थे, 2.303 R, लेकिन अभी मैंने बताया कि 2.303 इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू और R की वैल्यू भी कॉन्स्टेंट है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते थे, आपको नंबर मिलता है एंड दैट इज 19.147, ओके। तो ये हमने पुट किया और भाई यहाँ क्या आता आपके पास, T2 माइनस T1 और T1 इंटू T2। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे टू कैलकुलेट रेट कॉन्स्टेंट K2, ठीक। पहले ये आएगा, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग K2 ऑब्टेंड, ये जो K2 आएगा इसको यूज करेंगे टू कैलकुलेट
टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% डीकंपोजिशन। 75% तक डीकंपोज होने में कितना समय लगा फिर हम वो बता पाएंगे। एक बार K2 निकालेंगे, K2 को यूज करेंगे क्या निकालने के लिए, टाइम निकालेंगे। दो स्टेप पे ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टेप फर्स्ट फॉर द न्यूमेरिकल। स्टेप फर्स्ट, तो जब स्टेप फर्स्ट अपन करेंगे बहुत इजी है, फॉर्मूला आपके सामने है, आपको जो जो चीजें गिवन है पहले वो गिवन चीजें लिखो। गिवन क्या क्या है आपको भाई, गिवन है हाफ लाइफ, टी हाफ दे रखा है कितना 360 मिनट, टी हाफ कितना गिवन है 360 मिनट। ओके नेक्स्ट और क्या क्या गिवन है भैया आपको, T1 दैट इज 380 डिग्री सेल्सियस, T2 दैट इज 450 डिग्री सेल्सियस। एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन है भाई कितनी है 200 किलो जूल पर मोल। ठीक, ये चीजें आपको गिवन है भाई, टी हाफ, टी वन, टी टू और एक्टिवेशन एनर्जी, ये चीजें आपको गिवन है, दी रही हैं। और इनकी सहायता से हमको आराम से क्या निकाल सकते हैं, K2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे यूज करो फॉर्मूला। लो ये तो क्वेश्चन मार्क है तुम्हारी। और K1 कैसे पता लगेगा सर, K1 तो नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो K1 हम निकाल सकते हैं। K1 हमें कहाँ से पता लगेगा, K1 हमें कहाँ से पता लगेगा भाई, क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, उसका टी आप गिवन है, किस टेम्परेचर पे गिवन है ये टी आप 380 पे, तो 380 आपका टेम्परेचर T1 था, इसकी रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू, K1 हमको आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, टी आप तो गिवन है, और किसी का भी टी हाफ अगर गिवन हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो हम उसके लिए रेट कांस्टेंट के निकाल सकते हैं। कैसे बता सकते हैं ये हम, किसी का भी अगर आपको टी हाफ, याद देखते हैं इसको, किसी का भी अगर टी हाफ हमें दिया हो तो खूब आराम से क्या निकाल सकते हैं भाई, हम रेट कांस्टेंट के बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो यहाँ देखो 0.693 और टी आप कितना दिया था आपको 360, K1 आपको मिल जाएगा, और जो K1 की वैल्यू यहाँ से आपको आएगी सॉल्व करने पे वो कितनी आएगी 0.0019, ये आपकी वैल्यू होगी भाई K1 की। कैसे होगी देखो, ये डेसिमल घटाओगे 1 2 3 3 जीरो आएंगे यहाँ पर नीचे, अब देखो बाहर नहीं जाएगा जीरो, फिर डेसिमल 0 0, फिर 3 एकम, ये इससे दुगने पे जाएगा नहीं, और उसके बाद 9 पे कटेगा तो आपके पास इतना ही आएगा, ये रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू आपके पास आ गई 0.0019। ये हमने कहाँ से निकाली है, रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू बाय यूजिंग टी आप एट 380 डिग्री सेल्सियस। ओके अब K1 की वैल्यू यहाँ लिख लो 0.0019, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दे रखी है भाई 200 किलो जूल पर मोल, और ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास 19.147। T2 कितना है 450 डिग्री सेल्सियस, T1 कितना है 380 डिग्री सेल्सियस। इनको हम केल्विन में चेंज कर लेंगे, किस में चेंज कर लेंगे केल्विन में, और अगर मैं T1 को केल्विन में चेंज करूंगा तो 380 डिग्री सेल्सियस जो है आपका, अगर हम उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 653 केल्विन, और अगर मैं 450 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरा 723 केल्विन। डिग्री सेल्सियस को चेंज करने के लिए केल्विन में हम उसमें प्लस कर देते हैं कितना 273, तो वही क्या हमने इसमें 273 ऐड करेंगे तो 653, इसमें 273 ऐड करेंगे तो 723 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे 723 माइनस 653 बाय 723 गुणा 653, ये वैल्यूज आपके पास आ गए, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। यहाँ से आप सॉल्व करके, यहाँ से आप सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं भाई, रेट कांस्टेंट के टू की वैल्यू निकाल सकते हो। आप जब इसको सॉल्व करेंगे लॉग के टू बाय 0.0019 इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक संख्या आएगी 1.5478 ठीक है, ये संख्या शायद आपके पास आएगी। एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको, लगभग इतनी संख्या आपके पास आएगी, यही आएगी 1.5478। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट यही आएगी। आप इसको कैलकुलेटर की सहायता से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ओके, तो 1.5478 इसको कर लिया आपने। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, केटू हमें कैलकुलेट करना है, लॉग हमें हटाना पड़ेगा, तो एंटी लॉग लेंगे तो कुछ ऐसा होगा केटू 0.0019 ठीक है, और इसका हम क्या ले लेंगे भाई, एंटी लॉग 1.5478। जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा, के टू बाई 0.0019 इज इक्वल टू 35.37। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो वो एंटी लॉग कितना आएगा 35.37 ये आ गया। यहाँ से मैं के टू प्राप्त कर सकता हूँ, के टू कितना आएगा 35.37 गुणा 0.0019। यहाँ से सॉल्व करने पर जो के टू मेरे पास आएगा वो के टू कितना आ जाएगा 0.067 के आसपास मेरा के टू आ जाएगा, 0.067 मिनट इनवर्स, ये आपकी क्या आ जाएगी, के टू की वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, एक बार के टू निकाल लिया, अब हमने करना क्या था, देखो हमें तो यह बताना था कि कितना टाइम लगेगा 75% तक रिएक्शन को डिकम्पोज होने में। अभी हमने K2 निकाला है, इस K2 का हम यूज करेंगे एक दूसरे फॉर्मूले में, जहाँ से हमें क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 75% रिएक्शन। ओके, तो ये हमें K2 निकाला है। एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, देखो K2 निकालने के लिए आपने इस फॉर्मूले का यूज किया, आपको ये चीज़ें दी हुई थी टी आप 360 मिनट, टी वन 380 डिग्री सेल्सियस जिसको कैलोरी में चेंज किया, टी टू 450 जिसको हमने कैलोरी में चेंज किया, और एक्टिवेशन एनर्जी, ये वैल्यूज जब हम यहाँ पर पुट करते हैं ठीक है, टी आप की सहायता से हम 380 डिग्री सेल्सियस पे रेट कॉन्स्टेंट के वन पता करते हैं। ये वैल्यू मैंने पुट की, इनको सोल्व किया, सोल्व करने पर 1.5478 आया। लॉग हटाने के लिए इसका एंटी लॉग लिया, ये वैल्यू आई, इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल गया, वैल्यू ऑफ के टू। एक बार के टू आ गया, अब हम इस के टू को यूज करेंगे पार्ट टू ऑफ द न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, दैट इज क्या है कि कितना टाइम लगेगा 75% इनिशियल कंसंट्रेशन को डिकम्पोज होने में ठीक है। तो देखो इसके लिए हमें फॉर्मूला करना है यूज टू कैलकुलेट, ये है स्टेप टू ऑफ द न्यूमेरिकल, दैट इज स्टेप फर्स्ट और दैट इज स्टेप सेकेंड ऑफ द न्यूमेरिकल, दो स्टेप का न्यूमेरिकल था भैया, अच्छा न्यूमेरिकल था दो स्टेप का। ओके, तो दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, क्या पकड़ना है, ये पकड़ना है यहाँ पर टाइम कितना लगा है, कैलकुलेट टाइम, रिक्वायर टू कंप्लीट 75% डिकम्पोजिशन, 75% रिएक्शन डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा वो बताना है ठीक है। तो क्या किया, टाइम इज इक्वल टू क्या कर देंगे भैया, पुनः
फॉर्मूला ये लगेगा 2.303 बाय के लॉग आर नॉट बाय आर, पुट करो 2.303 बाय के, अभी निकाला हमने ये रहा 0.067 लॉग आर नॉट इनिशियल 100% 75% डिकम्पोज हो गई, तो फाइनल कितनी बची होगी 25, 4 पे कटेगा 2.303 बाय 0.067 लॉग 4, लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6020। इसको सोल्व करेंगे भाई, इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, टाइम मिलेगा। और जो टाइम आपके पास आएगा वो टाइम लगभग कितना आ जाएगा भाई आपके पास, आपका 21 मिनट के आसपास आ जाएगा जब आप इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 21 मिनट। देखो सीधी सीधी बात है 60 और 67 लगभग वन टाइम कटेगा, ये थोड़ा सा वन से कम रहेगा, इसको इससे गुणा करेंगे 23 से थोड़ा कम आंसर आ जाएगा, मतलब लगभग 21 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, 21-22 मिनट आपका आंसर आएगा फाइनल, हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। इस प्रकार से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। दो स्टेप का न्यूमेरिकल था, फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करके वासद का निकालेंगे, के टू की वैल्यू निकालेंगे, एक बार के टू की वैल्यू आ गई उसको पुट करेंगे किसके अंदर भाई, फर्स्ट ऑर्डर वाले फॉर्मूले के अंदर, जिससे कि हम क्या पता करेंगे 75% डिकम्पोजिशन के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम को यूज करेंगे। तो एक अच्छी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देखते हैं इन्हीं से वेस्ट, नेक्स्ट जो और प्रॉब्लम्स है हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।